आप लोगों की आवाज इस देश की आवाज है, और जो अधिकारी आप लोगों की आवाज को नहीं सुनेगा, झारखंड के हाईकोर्ट के जज ने परसों एक टिप्पणी करी है। उसने ये कहा है कि आईएएस एचसीएस आईपीएस जो भी अधिकारी बैठे हैं वो जनता के नौकर हैं, और जिनको मालिक बनना है वो अपनी कुर्सियों से इस्तीफा देके अपना अलग से बिजनेस करे, अन्यथा जनता की नौकरी करनी है तो जनता की बातों को सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नबछोड़ लाइव, आवाज आपकी। दोस्तों, मनरेगा मजदूरों की समस्याओं पर राष्ट्रीय हड़ताल के आह्वान पर अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच हरियाणा के बैनर के नीचे हड़ताल में शामिल होकर बीडीपीओ कार्यालय हांसी से प्रदर्शन करते हुए एसडीएम साहब हांसी को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त रूप से सतीश कुमार, अजमेर सिंह, नसीब कुमार, अनिल कुमार, सुमन ने की। मंच के सह संयोजक राम अवतार सुलचानी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मनरेगा मजदूरों के साथ बजट में कटौती कर धोखा कर रही है। मनरेगा के काम की पूरी मजदूरी ना देने के सवाल पर नहर विभाग के जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार करवाने का मांग पत्र सौंपा गया है। आप लोगों की आवाज इस देश की आवाज है, और जो अधिकारी आप लोगों की आवाज को नहीं सुनेगा, झारखंड के हाईकोर्ट के जज ने परसों एक टिप्पणी करी है। उसने ये कहा है कि आईएएस एचसीएस आईपीएस जो भी अधिकारी बैठे हैं वो जनता के नौकर हैं, और जिनको मालिक बनना है वो अपनी कुर्सियों से इस्तीफा देके अपना अलग से बिजनेस करे, अन्यथा जनता की नौकरी करनी है तो जनता की बातों को। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, मैडम से भी, कि आप जो इनकी जायज मांगे हैं इनको दोबारा से इस प्रकार से यहाँ बैठे ना देखा, मारा दर्द हो गया तो या जब आग जब लग गया करें ना, आँच दूर दूर ती जा गलत बात। आप लोगों के संघर्ष को सलाम करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समस्या का तत्काल प्रभाव से समाधान होगा, और जो नरेगा की जो दिहाड़ी जो काटी गई है उनको देने का काम करेंगे, और जो गांव में नरेगा बंद है विशेषकर या ज्यादा बंद होगी या बीजेपी आए पक्ष इनने ये सरपंच तो दिए हटा, ये सरपंच भी बेचारे खाली झोले ठाइया ने, इनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ रखा, नरेगा बंद कर दी, सारा का सारा कमीशन यो बनया है ना, नया ताऊ देवीलाल का पोता बनया था, खट्टर के घर जाए, दुष्यंत के घर जाए, सारा कमीशन दुष्यंत के घर, पंचायतें हमारी हिस्सेदारी है, पंचायतें चुनाव भी समय पर होनी चाहिए, और पंचायत का अहम ऐसा है नरेगा से हमारे परिवार चलते हैं, जिस भी गांव में बंद है उसको शुरू करवाएं, और जिसकी दिहाड़ी काटी है उसको दिहाड़ी समय पर देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को राम राम करते हुए मैं मेरी बात को विराम करता हूं। दोस्तों, ताजा अपडेट्स के लिए और अपने शहर की हर खबर पाने के लिए ऐसे ही देखते रहे नबछोड़ लाइव।